स्पीति वाला व्लॉग देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप हमारा स्पीति वाला व्लॉग ज़रूर देखें। तो मैं आज आई हूँ यहाँ पे अपने फार्म्स में, रॉलिंग रंग फार्म में। तो यहाँ पे हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स है और हमने यहाँ पे क्या क्या बोए हैं मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ, हमारे फार्म्स का टूर करवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये सारे हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, और यहीं ऊपर मैं आपको दिखा दूँ साथ में एक एप्रिकॉट का ट्री है जिसमें एप्रिकॉट बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ये अगस्त में जाके पूरी तरीके से पक जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए बहुत पुराना पेड़ है ये। यहाँ पे हमारा ये लहसुन का खेत है और यहाँ पे हमने लहसुन बीज रखे हैं और साथ ही में धनिया भी बीज रखे हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे धनिया काफ़ी टेस्टी और काफ़ी खुशबूदार धनिया बन चुके हैं। तो थोड़ी बहुत और लहसुन लगा रखे हैं, और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये गूसबेरी का पौधा है, इसका यूज़ हम चटनी में लगाने के लिए भी करते हैं और किसी भी खट्टी चीज़ों में बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ये प्योरली ऑर्गेनिक बेरीज। और लहसुन के साथ साथ हमने यहाँ पे चाइव्स लगाए हुए हैं, दिखने में ही लहसुन जैसे ही है बट ये एक सब्जी है और जो नमक तेल और मिर्च के साथ बनाओ खाली बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। यहाँ चारों ओर हमारे सेब के बगीचे हैं, और सेब के बगीचों के अलावा हमने नीचे गंदम की खेती कर रखी है, और मैं आपको बता दूँ ये दिसंबर में बीजा हुआ था और ये इसको तैयार होने में करीब मतलब ये जुलाई के एंड में तैयार होके आता है। और जो ये जो मेरे पीछे है ये वॉलनट ट्री है, और सितंबर अक्टूबर के करीब जाके वॉलनट बनते हैं, और देखिए कितना बड़ा और कितना विशाल है ये। और ये हमारा किचन गार्डन है, और यहाँ पे हमने पालक लगाए हैं और ये लगभग अब तैयार होने वाले हैं, और साथ ही हमने यहाँ पे पुदीना बीज रखे हैं, और कभी हम इसका मिंट ट्री या इसकी चटनी बना के इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने मेथी और धनिया और भी बीज रखे हैं, तो ये वाली क्यारी अभी बनी नहीं है, अभी प्रोग्रेस पे है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये हमने गेहूं बीज रखे हैं, और ये हमने गंदम के साथ साथ ही दिसंबर में बीजे हुए थे, और इसकी हार्वेस्टिंग अराउंड गंदम से एक महीने पहले हो जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी एप्रिकॉट का ही ट्री है, ऐसे हमारे और 5-6 ट्रीज है एप्रिकॉट के, मैक्सिमम हम यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। सो गाइज ये था हमारा फार्म टूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे ऐसे 2-3 जगह पे और फार्म्स हैं, मैं आपको वो भी विजिट करवाऊंगी। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना।